ये लकड़ी का फलटा है, जिसे हम प्लाई भी कह सकते हैं, मोटी प्लाई, प्लाई बोर्ड है। हाँ, लकड़ी का इसलिए यूज़ कर रहे हैं जिससे पतंग नीचे फटे नहीं, और लकड़ी पे ही आसानी से, बहुत आसानी से घुटाई हो जाती है, हाँ इसलिए। और ये है कुछ कांच के गिलास जो कि पीछे की तरफ से राउंड है बिल्कुल। खुदरा यूज़ ना करें क्योंकि इससे पतंग फट सकती है एकदम, मतलब देख लीजिए बिल्कुल चिकना है और एकदम मतलब राउंड फिगर है, ठीक है। हम चाहे तो इसी जगह पेपर होल्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पेपर होल्डर से इतनी फिनिशिंग नहीं आती है, जो हमें एक एक्चुअल में डायमंड जो फिनिशिंग चाहिए होती है वो बिल्कुल नहीं आती है, और हमें डायरेक्टली काइट पे करनी है। अगर हमें पेज पे करनी होती तो बात अलग होती है, ठीक है। कुछ ये पतंगों का कलेक्शन है जो कि पंकज भैया का है, ठीक है, और हम इस पर करेंगे। ये जो कि कागज़ है वो डायमंड है, और मैं आपको बता दूँ कि अगर हमें घुटाई करनी है तो बेसिकली दो तीन कुछ कागज़ होते हैं जिस पर हम आसानी से कर सकते हैं घर पे, तो मैं आपको उन कागज़ का नाम बता देता हूँ। एक तो ऑयल पेपर होता है, और एक खटीमा, और दूसरा मोहर का होता है, और तीसरा डायमंड पेपर होता है। मोहर जो कि होता है वो पेपर जो कि बहुत हल्का होता है, ठीक है। ये देख लीजिए बिल्कुल लाइन लाइन से, मैं मतलब इस कागज़ के पीछे का जो हिस्सा, कांच के पीछे वाले हिस्से जो राउंड होता है उससे लाइन एक्चुअल में परफेक्ट नहीं होती है, बट आपको मतलब पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। और जब हम दूसरी तरफ की लाइन करेंगे तो इससे हमारा बॉक्स जैसे सर्कल कहता है वो एकदम मतलब अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, तो वो अच्छा लगता है। लाइन तो मेरी भी टेढ़ी मेढ़ी होती है, इतनी कंप्लीट नहीं है, बट जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये देख लीजिए घुटाई हो रही है, आपको हल्की दिख रही है और एकदम परफेक्ट होगी। अगर आपको घर पे ही चाहिए, जिसे प्रोफेशनल घुटाई किसे कहते हैं वो यही होती है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये सबसे महंगी और सबसे मेहनती घुटाई कांच से ही होती है, आपको बता देता हूँ मैं, और एकदम परफेक्ट शेप आएगी इसकी। फर्स्ट लाइन कंप्लीट होने वाली, मैं एक तरफ की लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देखना जो घुटाई की जो एक्चुअल में जो लाइटिंग होती है वो बहुत अच्छी लगेगी आपको देखने में। और घुटाई करने का बेसिकली मतलब यही होता है कि पतंग की, एक तो पतंग मतलब दिखने में आकर्षित, और इससे कागज़ की मजबूती भी अच्छी हो जाती है, और थोड़ी मेहनत भी होती है। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको मेहनत भी करनी है तो आप किसी अच्छी पतंग पर ही मेहनत करना घुटाई करने की, तो सही रहेगा। घर पे ट्राई करें तो फिर आप लकड़ी का पीछे का जो मतलब लकड़ी का जो होता है उस पर ही रखे करें, किसी और पे ना करें, वरना आपकी पतंग फट सकती है। और आप देख लीजिए घुटाई बिल्कुल मतलब काफ़ी अच्छी शाइन कर रही है पतंग, और ये देख लीजिए बिल्कुल सर्कल भी अच्छे से बने। तो मैं इस पतंग को कंप्लीट कर लेता हूँ, और प्लीज़ आप याद से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये खटीमा कागज़ की पतंग है, जो कि यहाँ पर 11 रुपये की पड़ती है, पौनी पतंग है, अच्छी पतंग है, लखनऊ की है। और
इस पर मतलब मोहर के कागज पे या फिर किसी भी टाइप के कागज पर जो हम घर पे ही गुटाई करते हैं तो वो बहुत आसानी से और बहुत आकर्षित दिखती है। और पतंग पर सबसे आसान तरीका जो कि होता है वो यही होता है, और इससे आप इतनी अच्छी मतलब गुटाई कर सकते हैं पतंग पे। कई लोगों ने बोला था गुटाई पे वीडियो बनाए, तो मैंने इसलिए इस पर बनाई है। कई लोग इसे आसानी से घर पे भी कर सकते हैं, या फिर अगर कोई शॉपकीपर है तो वो भी इसका यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी है और काफ़ी बढ़िया भी लगेगी आपको। देख लीजिए, बिल्कुल लाइन वाली गुटाई की है। अब इसकी शाइनिंग देखना आप, ये देखिए बिल्कुल चमक जो कि इसकी काफ़ी तेज़ है, और वो इसलिए ही होती है क्योंकि जो गुटाई होती है वो मतलब सिर्फ कांच से ही होती है, और ध्यान से आप किसी फर्श के ऊपर रख कर करते हैं तो उससे थोड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए आप लकड़ी के प्लाई बोर्ड पर ही रख कर करें यूज़। तो फिर बस हमारी जो कि कुटाई है वो कंप्लीट होने वाली है। और प्लीज़ अगर आपको ये मतलब वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बताइए कि आपको कुटाई किस कैसी लगी है, और आप नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहते हैं ये भी बताइए। और ये देख लीजिए, बिल्कुल मतलब पीछे शाइनिंग वाली, जिसे कहते हैं इसे कहते हैं डायमंड वाली कुटाई, इससे बेस्ट कोई भी नहीं होती है। ये देख लीजिए शाइन, देखिए एकदम शानदार है, बहुत अच्छा है। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें। और इसे आप चाहें तो घर पे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, आप एक बार ट्राई करके देखिए जो कि है, और बताइए कि आपने गुटाई में क्या क्या मतलब गलती की है। ये देख लीजिए आप ध्यान से, तो कुछ अब अलग पैटर्न का करेंगे हम, हर टाइप की गुटाई कर सकते हैं हम, देखिए।
और प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं कि इन चारों में से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, और बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बात और बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो हैं काइट से रिलेटेड, कि पतंग में तंग कैसे डालते हैं, टेपिंग कैसे करते हैं और क्यों की करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाएं और वो सारी की सारी वीडियो देखें, उन्हें लाइक करें, और आप बताइए कि आपको और किस पर वीडियो चाहिए, तो आप चैनल पर जाइए। काफ़ी सारी पतंग हैं, हर टाइप की पतंग हैं, तो आप देखें और लाइक करें। बहुत सारी मतलब जितनी भी पतंग के रिलेटेड हैं वो सारी सारी वीडियो मेरे चैनल के अंदर हैं, तो आप एक बार चैनल ज़रूर चेक करें।